अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आइए आपको शो कराते हैं मुर्गियों का। देसी मुर्गी है, देखिए ये फार्म में आए हैं हम। मुर्गियाँ देखें, ढेर मुर्गी हैं। ये है दो महीने की है। बहुत अच्छा मुनाफा बख्श कारोबार है। देखिए आप शो करें इनका, कितना खूबसूरत कलर है। ये अभी 2 महीने की है। ये लोग बेचते हैं, चार महीने की हो जाती है ना फिर बेचते हैं, 4 महीने की करके बेचते हैं। इनका रेट हमने मालूम किए थे, कह रहे 400 रुपये किलो देते हैं हम लोग। देखिए छोटे बड़े हर तरह के हैं। देखिए शॉप करें, जिधर मैं जा रहा हूँ उधर से भाग रहे हैं, कैसे शॉप कराएं। देखिए ये खुराक है, लोगों ने खुराक डाली हुई है। ये देखें हैंग करी में किस तरह से, देखिए पानी, देखिए किस तरह बनाया, पाइपें लगाई हुई हैं। देखें अच्छा प्रोफेशनल बन गई है ना, सामने फ़ैन लगाया हुआ है गर्मी के लिए। देखिए देखिए पानी का सिस्टम, देखिए किस तरह से ज़बरदस्त बंदा बनाया है। टेम्परेचर बिल्कुल मेंटेन रखने के लिए इन्होंने 2 फैन लगाए हैं, इधर है और एक आगे है। ये बेचारी तंग आ रही है, उससे भाग रहे हैं, इधर से उधर भाग रही हैं। शॉप करेंगे, छोटे छोटे चूजे भी हैं, बड़े भी हैं, कोई 2 महीने के हैं, कोई 3 महीने के हैं। तो बिल्कुल देखिए इसको चेक करिए, बिल्कुल छोटा सा चूजा, ये देखिए इसको देखिएगा तो ये देखिए माशाल्लाह चूजा तकरीबन ये 2 मंथ की। वाइट को देखें, बहुत बड़ी बड़ी तादाद में है ये, बहुत सारा। देखें फुल, मैं आपको कोने कोने से दिखाता हूँ उस कोने पर। अब देखिए देखिए दोस्तों भागती हुई कितनी खूबसूरत लग रही है। आइए अब आपको शो कराते हैं इनकी। ये 2 मंथ की हैं, आपको हम लोग शो कराते हैं 4 मंथ की भी हैं इनके पास। जो बोलने हैं कि मुर्गियाँ तो सारी सेल हो चुकी हैं, सिर्फ मुर्गे मुर्गे रह गए हैं। आइए अब आपको आगे चल के उनका शो कराते हैं 4 मंथ के मुर्गे। ये दोस्तों ये इन लोगों ने बाहर रखी हुए एक पिंजरा बनाकर, ये जो बाहर से लोग आते हैं इनको ये बेच देते हैं 400 रुपये किलो के हिसाब से। देखिए पिंजरे में 3 खाने हैं तकरीबन, एक इधर भी 400 रुपये किलो के हिसाब से। देखिए शॉप करिए, देखिए बस है, देखिए तीनों में है मुर्गे। ये देखिए सो इनकी भी फीडिंग पड़ी हुई दाना, देखिए ये लोग खा कर बड़े होते हैं। फीडिंग है, लोगों से हमने पूछा था फीडिंग में क्या खर्चा है, बोले कि अभी कुछ मालूम नहीं है, हिसाब लगाएंगे एंड में जब सारे बिक जाएंगे फिर हिसाब लगाएंगे। गांव की सादा ज़िंदगी के देखें ये मज़े होते हैं। ठीक है, ताज़ा मुर्गी अंदर से पकड़ी ज़िबाह की और उसके लिए मसाले तैयार हो रहे हैं। और देखें जी कढ़ाई, और ये प्रोफेशनल शेफ़ है ये, और यहाँ पर चूल्हा लगा हुआ है। ठीक है, और ये मोटरसाइकिल के ऊपर देखें इन्होंने ये पिंजरा बना हुआ है, इसमें गांव देहातों में जाकर मुर्गियाँ सेल करनी है, जो गोश्त के फट्टों वाले होते हैं उन तक यहाँ से इसके ज़रिए पहुँचाया जाता है। गांव में डेरा देखें बड़ा ज़बरदस्त तरीके से, यहाँ पर फल बूटे भी लगे हुए हैं। और दूसरी साइड इस साइड पर चूजे 2 माह की उम्र वाले हैं, और जो इस साइड पर हैं देखें यहाँ पर सिर्फ मुर्गे हैं, ये तैयार मुर्गियाँ हैं, मुर्गियाँ इन्होंने सेल कर दी हैं, मुर्गे बाकी हैं। और ये इसके अंदर देखें फीड इसके ज़रिए बाल्टियों में डालकर इनके अंदर इनके बर्तनों तक पहुँचाई जाती हैं। तो अभी ये शाकिर अंदर जाकर आपको शो करवाएगा। ठीक है, जा अंदर कर। 4 महीनों के हैं ये, 400 रुपये किलो देते हैं। देखें इधर भी वही सिस्टम बना हुआ है, इधर भी देखिए वही सिस्टम बना हुआ है पानी के लिए। ये पानी का है पूरा पाइपलाइन डाली हुई है, देखिए पूरा सही का इंतज़ाम है, बहुत अच्छे से केयर करते हैं लोग। तभी देखिए दोस्तों
माशाल्लाह 4 महीने में कितने अच्छे अच्छे खासे बड़े हो गए मुर्गे, यही नज़र आ रही है। देखिए दोस्तों ये वाले मुर्गी चेक करें, देखिए 400 रुपये किलो के हिसाब से है। अच्छी फीड देते हैं, कोई वो दूसरी फीड नहीं है जिसे जल्दी बड़े होते हैं, मतलब केयर अपनी कितनी खूबसूरत है। हैंग किया हुआ यहाँ पर इस रस्सी के ज़रिए, यहाँ पर ये देखिए पानी पी रहे हैं मुर्गे। अरे दोस्तों यहाँ पर जाली लगी हुई है, इसकी बैक साइड पे एक और सिस्टम इन लोगों ने बनाया हुआ है। देखिए देखिए इधर भी तकरीबन सारे मुर्गे हैं, बोले मुर्गियाँ बिक गई हैं सारी मुर्गियाँ, लोग ले जाते हैं दोस्तों अंडों के लिए ले जाते हैं, कुछ काटने के लिए, ज़्यादातर अंडों के लिए। जल्दी बोला पहले मुर्गियाँ बिक जाती हैं फिर हम लोग मुर्गे बेचते हैं। अब ये मुर्गे जो हैं वो दुकान वाले ले जाएंगे जो गोश्त वगैरह बेचते हैं, मुर्गियाँ तो बोल रहे हैं घर वाले ले जाते हैं कोई इस तरह एक एक दो दो तीन तीन पाँच पाँच दस दस कर इनकी सारी बिक जाती है। देखिए वो सामने फ़ैन लगे हुए इनमें, बहुत ज़बरदस्त केयर करते हैं, ज़बरदस्त माशाल्लाह। हर साल इन लोगों को देखते हैं हम लोग यहाँ पर, इस दफ़ा मैं आया हूँ यहाँ पर कराची से, ठीक है तलहा गौरी के घर, तो तलहा गौरी मुझे लेकर आया था, रास्ते में ये फॉर्म नज़र आया, हमने बोला चलो इनकी वीडियो बनाते हैं, दोस्तों को शौक कराते हैं इनका। देखें दोस्तों शौक करिएगा, देखें ये देखें दोस्तों ये मुर्गी देखें, इधर से चेक करें, ये मुर्गा देखें कितना क्यूट है, फिर दुम ही नहीं है बेचारे, देखें वो मुर्गा भी है उसकी दुम नहीं है, अक्सर मुर्गों की दुम नहीं है, ये वजह पूछेंगे इनसे आप बाहर जाकर, हम लोग वजह क्या है क्यों दुम क्यों नहीं है। एंटिक सी लग रही है मुझे, आइए आपको दिखाते हैं उसका शौक कराते हैं, लेकिन वो अपने करीब भी नहीं आने देंगे मुझे। ये दोस्तों आपको शौक कराते हैं उस मुर्गे का, ये है देखिए दोस्तों लाइक अ शितर मुर्ग, कहाँ गई कहाँ गई, ये रही। बहुत तेज़ मुझे लग रहा है सब मुर्गियों में सबसे ज़्यादा तेज़ यही मुर्गी है जिसके पीछे हम लोग भाग रहे हैं, वो देखिए और ये रही। देखिए दोस्तों कितनी क्यूट लग रही है, मुर्गी भी अच्छी है। देखिए दोस्तों तीनों एक ही पिंजरे में बंद है, डायमंड स्वीटी और मैक्स, देखिए तीनों को कितने फ्रेंडली है माशाल्लाह, कोई लड़ाई नहीं कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं कोई झगड़ा नहीं, देखें तीनों आपस में खेल रहे हैं आराम सुकून से खड़े हैं, बुली और रोटवीलर देखें आपस में इनकी जोड़ी देखें।